रॉ टैलेंट की जब बात करते हैं तो रॉ टैलेंट इट इज द प्योरेस्ट आयरन विच कंटेन्स 99.5% आयरन बट मे कंटेन अप टू 99.9% आयरन। द कार्बन कंटेंट जो है इसमें अबाउट 0.02% है। हमें इसमें परसेंटेज याद करना होगा कि कितना परसेंटेज होगा। इट इज द प्योरेस्ट आयरन विच कंटेन्स 99.5% आयरन बट मे कंटेन अप टू 99.9% आयरन एंड जो कार्बन कंटेंट है इज अबाउट 0.02%। ये क्या होगा, काफी ज्यादा टफ होगा, साथ ही साथ मेलेबल होगा और डक्टाइल मटेरियल है। इट कैन नॉट स्टैंड सडन एंड एक्सेसिव शॉक्स, इट कैन इजिली फोल्ड और वेल्डेड। रॉट आयरन का क्या क्या हमें याद करना होगा, रॉट आयरन जो होगा इट कंटेन्स, तो जो रॉट आयरन है वो इट कैन नॉट स्टैंड सडन एंड एक्सेसिव शॉक और इट कैन बी इजिली फोल्ड या वेल्डेड। अब बात करते हैं हम स्टील के, स्टील का जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, स्टील क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली डेड माइल्ड स्टील, लो कार्बन या माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। तो अगर डेड माइल्ड स्टील होगा तो उसका हमें याद करना होगा कि कितना परसेंटेज है, तो वो अप टू 0.15% कार्बन। लो कार्बन या माइल्ड स्टील का जो परसेंट है वो 0.15% टू 0.45% कार्बन एंड मीडियम कार्बन स्टील जो है वो 0.45% टू 0.8% कार्बन एंड हाई कार्बन स्टील की बात करते हैं तो 0.8% टू 1.5% कार्बन। तो अगर बात कर लें स्टील के तो इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ये जो है स्टील हमारा वो एक अलॉय है जिसमें कि आयरन एंड कार्बन की कंटेंट होते हैं और इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो अप टू मैक्सिमम 1.5% है। और मोस्ट ऑफ द स्टील प्रोड्यूस नाउडेज इज प्लेन कार्बन स्टील और सिंपली कार्बन स्टील। इट इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन कंटेंट। तो दीज आर द फोर बेसिक, दैट इज जो हमने याद किया अभी, डेड माइल्ड स्टील जिसमें कि अप टू 0.15% कार्बन है और लो कार्बन या माइल्ड स्टील की जो बात करते हैं तो 0.15% से 0.45% कार्बन और मीडियम कार्बन स्टील की जब बात करते हैं तो 0.45% से 0.8% कार्बन एंड हाई कार्बन स्टील की बात करते हैं 0.8% से 1.5% कार्बन। तो ये हमें परसेंटेज होगा वो याद करना होगा, डेड माइल्ड स्टील अप टू 0.15% कार्बन, इसे याद करते हैं 0.15 से स्टार्टिंग है और 1.5 मैक्सिमम है। तो 0.5 से 0.15 हो गया कार्बन का परसेंटेज जो कि यूज हो रहा है डेड माइल्ड स्टील में। अगर लो की बात करेंगे तो उसकी रेंज होगी वो 0.15 से लेकर 0.45 तक है, यानी 0.15 में हम लोग 0.3 जो जोड़ेंगे तो 0.45 तक पहुंच जाएंगे। तो लो कार्बन और माइल्ड या माइल्ड स्टील की जब बात करते हैं तो उसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 0.15 से लेकर 0.45% कार्बन होगा। और जब हम लोग बात करेंगे मीडियम की तो मीडियम में हम लोग 0.45 से 0.8% कार्बन और हाई कार्बन की बात करते हैं तो 0.8% से 1.5% कार्बन, यानी मैक्सिमम जो होगा वो हाई कार्बन स्टील में जो होगा वो परसेंटेज होता है कार्बन का, नाम तो चला हाई, हाई मतलब मैक्सिमम जो कि हम यूज कर रहे हैं 0.8% से 1.5% कार्बन। आगे हम जो बात करते हैं तो हम लोग जो बेसिकली सिंबल यूज किए जाते हैं उसको हम लोग यहाँ पर जल्दी देखते हैं।